शनिवार की रात्रि में पशु तस्करों व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ व इनके थाना प्रभारियों की फोर्स के साथ क्षेत्र में चलाया गया। थाना गुलेरिया व थाना शाहपुर क्षेत्र में चेकिंग बैरियर्स पर संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी के चालक द्वारा गाड़ी को तेज गति से भगाने का प्रयास किया गया। इन संदिग्ध गाड़ियों का पीछा पुलिस फोर्स व अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसके क्रम में अपराधियों व पुलिस बल के मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों के पशु तस्करी कारित करने के प्रयास को विफल किया गया। इस घटना के उपरांत धरपकड़ के लिए पूरे क्षेत्र में पुलिस बल के साथ वृहद कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया व थाना शाहपुर में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना शाहपुर पर पंजीकृत मुकदमे की विवेचना के क्रम में पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव पुत्र कामेश्वर यादव उम्र 26 वर्ष व उसके दो साथी रितेश यादव पुत्र सीताराम यादव उम्र 22 वर्ष, रामेश्वर सिंह पिकअप चालक पुत्र स्वर्गीय रामनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। गैंग लीडर मुलायम यादव व उसका एक साथी रितेश यादव ग्राम लोहर बलिया थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर एवं दूसरा साथी रामेश्वर सिंह ग्राम दर्जिया बाजार थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर का निवासी है। अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक अदद आपाची मोटरसाइकिल, एक अदद पिकअप जिस पर फर्जी नेम प्लेट लगा हुआ तथा एक राशि पशु बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विगत रात्रि थाना शाहपुर में घटित घटना का पूर्ण विवरण बताया गया व इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी दी गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से सघन पूछताछ की जा रही है व ऐसे अपराधों में लिप्त अन्य अपराधी अथवा इनका सहयोग करने वाले स्थानीय निवासी की भी जानकारी की जा रही है। इस अभियान को योजनाबद्ध तरीके से निरंतर चलाए जाने व इन अपराधों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ और उन पर प्रभावी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर में विगत रात्रि पशु तस्करों व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान SP City SP North CO गोरखनाथ व थाना प्रभारियों व उनकी फोर्स के साथ चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान थाना शाहपुर और थाना गुलरिया क्षेत्र में जब संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया तो इनके चालकों द्वारा तेज गति से अपने वाहनों को भगाया गया, जिसका कि पीछा पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया। दोनों थाना क्षेत्रों में इन अपराधियों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, जिसमें इनके इस पशु तस्करी के योजना को विफल किया गया। इस घटना क्रम के उपरांत दोनों थानों पर धारा 307 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, धरपकड़ के लिए एक सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस फोर्स के साथ चलाया गया। थाना शाहपुर में घटित घटना से संबंधित वेशनात्मक कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि गैंग लीडर मुलायम यादव, उसका साथी रितेश यादव व रामेश्वर सिंह जो कि थाना पथेरवा जिला कुशीनगर के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से एक पिकअप वाहन, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और साथ में कई फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। इनके पास से अवैध असलाह व पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी इनसे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा विगत रात्रि घटित घटना का पूर्ण विवरण बताया गया है और उस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनसे सघन पूछताछ जारी है। इस तरह के अपराधों में लिप्त अन्य गैंग्स और उनकी अपराध करने के तरीके के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अपराधी का इतिहास खंगाला जा रहा है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इस अभियान को निरंतर व योजनाबद्ध तरीके से चलाने हेतु सभी थाना प्रभारियों और गजेटेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं। वे ऐसे अपराधियों के ऊपर
प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।